बच्चों, हम समझेंगे कि स्क्रू गॉज क्या होता है। ये एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम स्मॉलर मेजरमेंट्स यानी कि 1 मिलीमीटर से छोटे मेजरमेंट्स एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। और इनफैक्ट स्क्रू गॉज आपका वर्नियर कैलिपर से भी ज़्यादा एक्यूरेट होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप स्क्रू गॉज से माइक्रोमीटर भी मेजर कर सकते हो। यस, इतने स्मॉल मेजरमेंट्स स्क्रू गॉज से इजीली पॉसिबल हैं, है ना। तो स्क्रू गॉज के आप नाम में ही देखो क्या है, उसमें एक स्क्रू यूज होता है, ठीक है। इसमें एक आपका स्क्रू यूज होगा और स्क्रू के ऊपर जो घूमने वाली चीज होगी क्या होगा, उसके ऊपर का नट। तो ये दोनों चीजें मिलकर आपका बनाती हैं स्क्रू गॉज। ओके, अब स्क्रू गॉज में अगर आप सिर्फ स्क्रू को ऑब्जर्व करो, आपने अगर कभी स्क्रू देखा होगा तो ऑब्जर्व किया होगा उसके ऊपर ना कुछ स्पाइरल शेप बना रहता है जिसको हम एग्जैक्टली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेलिक्स, है ना। वो जो स्पाइरल शेप होता है उसको हम बोलते हैं हेलिक्स, यानी कि डीएनए का भी सेम स्ट्रक्चर वैसा ही होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर, करेक्ट। तो ये हेलिक्स ही ना आपका पूरा सेंट्रल रोल प्ले करता है स्क्रू गॉज में मेजरमेंट में। तो पहले आप समझो हेलिक्स क्या होता है। जैसे आप देखो ये जो आपको शेप दिख रहा है, ये शेप आपका है हेलिक्स, करेक्ट। ये शेप आपका है हेलिक्स। यहां पे आप ऑब्जर्व करो एक चीज, देखो हेलिकल शेप बेसिकली क्या है, वो एक सर्कुलर शेप ही है ना, बस वो एक्सटेंड होते जा रहा है, राइट। तो सर्कुलर शेप है मतलब उसके पास कुछ रेडियस भी होगा आर के बराबर, तो उसका टोटल डायमीटर 2r हो जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, अब आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो, सर्कल में क्या होता है, आप सर्कल में जब घूमोगे एक राउंड आप खत्म करोगे तो आप 360 डिग्री एंगल कवर करोगे क्या, वन राउंड इक्वल टू 360 डिग्री एंगल, करेक्ट। तो जब मैं एक हेलिक्स में वन राउंड या फिर 360 डिग्री एंगल खत्म करूं तो क्या होगा, समझो मैं यहां से स्टार्ट किया, ठीक है, यहां से स्टार्ट करके मैं ये पाथ फॉलो करके गया तो मेरा यहां पे आके एक राउंड खत्म होगा। एक राउंड खत्म होने पे क्या हुआ, मैं कुछ सर्टेन डिस्टेंस अलोंग द हेलिक्स क्लाइंब किया हूं, है कि नहीं। तो ये मैं लिख सकता हूं कि दिस इज वन राउंड, ओके। तो 360 डिग्री घूमने पे या वन राउंड कवर करने पे मैं हेलिक्स पे इतना डिस्टेंस क्लाइंब करूंगा। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं वन प्लस वन यानी कि अगर मैं टू राउंड्स खत्म करूं तो मैं इसी का डबल डिस्टेंस क्लाइंब करूंगा क्या, राइट। तो अगर मैं यहां तक जाता हूं टू राउंड्स खत्म करके, टू राउंड्स, तो मैं डबल डिस्टेंस कवर करूंगा ये प्लस ये। तो ये जो डिस्टेंस है एक राउंड कवर करने में जो डिस्टेंस मैंने कवर किया, या यहां पे अगेन वो सेम डिस्टेंस, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, पिच। ये जो आपका यहां पे पी लिखा हुआ है ना, पी आपका क्या कहलाएगा, पी इक्वल टू पिच, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड अलोंग अ हेलिक्स व्हेन यू कंप्लीट 360 डिग्री रोटेशन और व्हेन यू कंप्लीट वन साइकिल। ओके, मैं यहां पे डेफिनेशन लिख देता हूं, डिस्टेंस कवर्ड अलोंग हेलिक्स ऑन 360 डिग्री रोटेशन, ठीक है। तो ये जो पिच है ना, यही आपका सेंट्रल रोल प्ले करेगी स्क्रू गॉज में। बच्चों, वर्नियर कैलिपर की तरह स्क्रू गॉज में भी ना दो स्केल होती हैं। कौन सी दो स्केल होती हैं? एक होती है आपकी मेन स्केल और दूसरी होती है आपकी सर्कुलर स्केल, ठीक है। मेन स्केल आपकी कहां पे होगी, ये जो स्क्रू है ना आपका, या जो बोल्ट बोलते हैं इसको, तो यहां पे जो हेलिकल पाथ है वो हेलिकल पाथ से बनती है आपकी मेन स्केल। ओके, हेलिकल पाथ से आपकी बनेगी मेन स्केल। अब मेन स्केल पे अगेन आपको 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन बनाने होंगे। तो 1 डिवीजन एग्जैक्टली कितना होगा, तो यहां पे आप देखो तो ये जो मेरा डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के बीच में, ये डिस्टेंस आपका क्या है, पी, यानी कि पिच, है ना। तो यही आपका बन जाता है 1 मेन स्केल डिवीजन। आया समझ में इतना? तो मतलब इसका क्या है कि मैं जैसे ही अपने स्क्रू को, है ना, इस नट के ऊपर घुमाना शुरू करूंगा,
तो विथ एवरी 360 डिग्री रोटेशन मेरा जो नट या बोल्ट है, जो स्क्रू है, वो वन पिच के बराबर आगे या पीछे जाएगा, है ना। तो दैट मीन्स वो वन मेन स्केल डिवीजन के बराबर आगे या पीछे जाएगा। अब बस यहाँ पे हमें जरूरत पड़ती है सर्कुलर स्केल की और छोटे मेजरमेंट्स बनाने के लिए। कैसे होगा समझो, देखो आपका जो ये नट होता है ना, ये होता है फिक्स्ड, ठीक है। आपका जो नट होता है वो फिक्स्ड होता है और ये स्क्रू जो आपका होता है वो घूमता रहता है। तो आप ऐसे घुमाएंगे तो अंदर जाएगा, ऐसे घुमाएंगे तो बाहर जाएगा, करेक्ट। इतना आया समझ में? तो 360 डिग्री रोटेशन में वो एक पूरे पिच के बराबर बाहर जाता है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे नट का जो हेड है, अगर मैं वहां पर एक सर्कुलर स्केल अटैच कर दूं, सर्कुलर स्केल मतलब जैसे आपका प्रोट्रैक्टर होता है ना, एक सर्कल बनाओ, सर्कल पे आप बहुत सारे डिविजन्स बना दो, आपकी वजह से आप 25 डिविजन बनाओ, 50 डिविजन्स बनाओ, वो उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे नट के हेड पे मैं बनाता हूँ अपनी सर्कुलर स्केल। बस यही सर्कुलर स्केल का पूरा खेल है स्क्रू गॉज के मेजरमेंट्स में, है ना। ये सर्कुलर स्केल आपका वर्नियर स्केल की जगह यहाँ पे स्मॉलर मेजरमेंट्स निकालने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है समझो बच्चों, देखो मैंने आपके लिए यहाँ पे एक नट और बोल्ट लेके आया हूँ, यहाँ पे आप केयरफुली ऑब्जर्व करो। ये आप देखो यहाँ पे आपको ब्लैक मार्क दिख रहा है क्या इस तरफ, है ना। ये आप देखो यहाँ पे आपको ब्लैक मार्क दिखेगा, ये ब्लैक मार्क एक पिच पे बना हुआ है। अब देखो मैं 360 डिग्री रोटेट करूंगा, देखो वो ब्लैक मार्क्स ना धीरे धीरे इस तरफ शिफ्ट होते जाएगा, ऑब्जर्व करो। तो अभी आपको एक ही ब्लैक मार्क दिख रहा है, राइट। अब मैं 360 डिग्री अगर घुमाता हूं, दो ब्लैक मार्क दिख रहे हैं, मतलब आपका जो स्क्रू है वो वन पिच इस तरफ शिफ्ट हो चुका है, करेक्ट। मैं फिर से 360 डिग्री घुमाता हूं, ऑब्जर्व करो। अब देखो आपको तीन ब्लैक मार्क्स दिख रहे होंगे, मतलब अब वो और वन पिच इधर शिफ्ट हो चुका है। मतलब मैंने दो राउंड्स खत्म किए, तो दो राउंड खत्म करने पे दो पिच आगे जा चुका है। तो यही कहानी अगर मैं एक बार और रिपीट करता हूं, है ना, तो और 360 रोटेशन पे अब वो थ्री पिच के बराबर इस तरफ शिफ्ट हो चुका है, राइट। तो मुझे इतना तो पता है कि इसको 360 डिग्री रोटेट करने से ये वन पिच के बराबर घूमता है। तो अगर मैं पूरे एक रोटेशन की जगह अगर मैं आधा रोटेशन करूं तो सोचो क्या होगा, आधे रोटेशन पे क्या वो हाफ ऑफ द पिच शिफ्ट करेगा, ऑब्वियसली बात है। तो बस वहीं पे हमारी काम आ जाती है ये सर्कुलर स्केल। देखो मैंने अपने स्क्रू पे यहाँ पे एक सर्कल अटैच किया हुआ है, अब इसको धीरे धीरे समझो हम कैसे यूज करते हैं। अब बच्चों एक सिंपल सी टास्क करते हैं ना, मैं आपको सर्कुलर स्केल एक्सप्लेन करता हूँ कैसे काम करती है। जैसे देखो मेरा ये स्क्रू है, उसके ऊपर मैंने ये सर्कल बनाया हुआ है और मैंने यहाँ पे आप देखो मैंने एक डिवीजन बनाया, एक मार्किंग बनाई है ना। तो अभी फिलहाल मेरी सर्कुलर स्केल पे सिर्फ एक मार्किंग है, तो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल जो है मेरे पास अभी फिलहाल है एक डिविजन है। तो ये एक डिवीजन की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ समझो। देखो अगर अभी आप मैं इसको फिलहाल ये जो मेरी डिवीजन है इसको मैं ऊपर रखता हूँ, करेक्ट। तो अब आप देखो इस डिवीजन को देख के बताओ आपको क्या पता चल रहा है, क्या मैंने एक पूरा राउंड खत्म किया है, तो मतलब मैंने डिस्टेंस स्क्रू को कितना आगे या पीछे किया होगा अंदाजा लगा सकते हो, मैंने वन पिच के बराबर किया होगा। तो फिलहाल मैं वन रोटेशन से मिनिमम एक पिच के बराबर का डिस्टेंस मेजर कर सकता हूं, राइट। लेकिन अगर मैं इस पर डिवीजन बढ़ा दूं तो क्या होगा, तो मान लो मैंने पहले वाले डिवीजन के एग्जैक्टली अपोजिट में एक और डिवीजन बना दिया है, ठीक है। तो ये आप देखो अब यहां पे आपको दो डिवीजन दिख रहे हैं क्या, अब अभी आपका ये वाला डिवीजन ऊपर है, करेक्ट, ये डिवीजन ऊपर है, राइट। अब जरा ऑब्जर्व करो, अगेन मैं अगर इसको स्क्रू को घुमाता हूं क्या हुआ, डिवीजन देख के आप बता पा रहे हो कि मैंने आधा रोटेशन कवर किया है ना। तो यानी कि मैं एग्जैक्टली बता सकता हूं अभी कि मेरा जो स्क्रू है वो आधा रोटेशन कवर किया है, मतलब वो आधी पिच के बराबर आगे या पीछे हुआ होगा क्या। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। जरा यहां पे मैंने आपको क्या बताया था कि वन राउंड पे आप वन पिच का डिस्टेंस कवर करते हो, तो आधे राउंड पे ऑब्वियसली आप आधी पिच का डिस्टेंस कवर करोगे। तो ऐसे में मेरा जो लीस्ट काउंट है वो कितना बनेगा, अगर मेरे सर्कुलर स्केल डिविजन्स दो हो जाते हैं तो मेरा लीस्ट काउंट पिच डिवाइडेड बाय टू हो जाएगा क्या।
अब इसकी जगह मैं यहां पे चार डिवीजन बना देता हूं अगर, ठीक है, मैं दो डिवीजन और क्रिएट कर रहा हूं यहां पे, राइट। तो देखो यहां पे आप मेरे पास अब चार डिवीजन दिख रहे हैं, है ना। अगेन अब मैं फिलहाल ये जो डिवीजन है ये ध्यान रखो ऊपर है, क्योंकि इसमें ना आपको एक सफेद मार्किंग भी दिख रही होगी, है ना। अब आप सोचो मैं अपने स्क्रू को, सॉरी कहां गया ये, ठीक है, अब मैं स्क्रू को घुमाता हूं सो दैट ये डिवीजन ऊपर आ गया। अंदाजा लगाओ, देखो मेरा ओरिजिनली ये डिवीजन ऊपर था, और उसको ऑब्जर्व करो, अब ये डिवीजन ऊपर आ चुका है, करेक्ट। तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि मैंने जो रोटेशन 90 डिग्री किया है, क्या मैंने 90 डिग्री रोटेशन किया है, मतलब मैं 1/4 ऑफ द सर्कल कंप्लीट किया हूं। तो दैट मींस क्या मैं पिच का 1/4 डिस्टेंस आगे बढ़ा होगा क्या, है कि नहीं। तो अगर मैं 4 डिवीजन बना दूं यहां पे, तो मैं स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कितना मेजर कर सकता हूं, पिच डिवाइडेड बाय 4। अब इसी तरह अगर मैं डिवीजन और बढ़ा दूं, मैं यहां पे 8 डिविजन कर देता हूं अगर, ठीक है। और अब आपके लिए मैं डिविजन को ना, देखो अभी यहां पे आपको 8 डिविजन दिखेंगे, मैं इनको नंबरिंग भी दे देता हूं। तो अब देखो मैंने यहां पे नंबरिंग की हुई है, अगर आप नंबरिंग ऑब्जर्व करो, मैंने नंबरिंग स्टार्ट की है 0 से, ठीक है, नंबरिंग स्टार्ट की है मैंने 0 से। ये सर्कुलर स्केल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपकी नंबरिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होगी। और जैसे मैंने यहाँ पे कितने डिवीजन बनाए आप काउंट करो, आपको 8 डिवीजन दिखेंगे। तो अगर मैं डिवीजन की स्टार्ट नंबरिंग 0 से स्टार्ट करूं, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पे खत्म हो जाती है। डिवीजन 8 है लेकिन उनको काउंटिंग क्या करनी है, 0 से 7 तक। ये समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अब जरा आप देखो यहाँ पे फिलहाल आपका जो 0 है वो सबसे ऊपर है। अब आप बताओ मैं कितना रोटेशन किया होगा, अभी फर्स्ट डिवीजन ऊपर जा चुका है, ठीक है, सब अभी 0 ऊपर है। अब मैंने इसको रोटेट किया, सॉरी ये 0 ऊपर है, और अब आपका फर्स्ट डिवीजन ऊपर आ चुका है, मतलब मैं 1/8, है ना, ऑफ अ राउंड, राउंड 360 डिग्री डिवाइड बाय 8 में रोटेट कर रहा हूं, मतलब मैं पिच का 1/8 डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूं, करेक्ट। सिमिलरली अगर मैं और रोटेट करता हूं तो मैं पिच का 2/8 डिस्टेंस ट्रैवल करूंगा, अगर मैं और रोटेट करूं तो मैं पिच का 3/8 डिस्टेंस ट्रैवल करूंगा, और रोटेट करूं तो पिच का 4/8 यानी कि हाफ डिस्टेंस ट्रैवल करूंगा। तो नंबर ऑफ डिवीजन बढ़ाने से मेरा लीस्ट काउंट और छोटा हो जाता है। अभी मेरा 0 है, है ना, ये मेरा अभी 0 सबसे ऊपर है, रोटेशन करने पे फर्स्ट डिवीजन ऊपर आया, मतलब मैं पिच का 1/8 डिस्टेंस मेजर कर सकता हूं, करेक्ट। तो 8 डिवीजन होने पे मेरा लीस्ट काउंट p/8 बन जाता है। तो इसको अगर मैं जनरलाइज करूं तो n डिविजन्स होने पे मैं लीस्ट काउंट p/n मेजर कर सकता हूं। बस यही फंडा मुझे यूज करना है, ठीक है। आपका लीस्ट काउंट बन जाता है क्या, लीस्ट काउंट आपका बन जाता है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल CSD, सर्कुलर स्केल डिविजन्स, ठीक है। ये हो गया आपका फॉर्मूला फॉर लीस्ट काउंट। तो बच्चों समझो स्क्रू गॉज को यूज करके हम मेजरमेंट कैसे निकाल सकते हैं। मेजरमेंट निकालने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, पहली बात तो आपका आप कितने रोटेशन फुल रोटेशन किए, जिससे आपको मिलेगा कि आपने कितना पिच डिस्टेंस ट्रैवल किया है। अब जैसे मैंने ऑलरेडी पता है कि पिच आपका इक्वल टू क्या होता है, 1 मेन स्केल डिवीजन, है ना। तो नंबर ऑफ पिच ट्रैवल्ड आपका इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मेन स्केल डिविजन हो जाएगा क्या, करेक्ट। तो इसी को मैं बोलूंगा अपनी मेन स्केल रीडिंग MSR, है ना। तो जैसे मान लो मुझे कुछ डिस्टेंस मैंने ट्रैवल किया, मुझे मेजर करना है कितना हुआ। तो जैसे अभी आप देखो ये 0 आपका टॉप पे है, अब मैं यहां से इसको रोटेट करना शुरू करूं, राइट। तो जैसे अभी मैंने ये 1 फुल रोटेशन कवर किया, है ना, और मैं एक और रोटेशन कवर करता हूं मान लो, ठीक है, मैंने अभी कितने कवर किए, 2 फुल रोटेशन कवर किए, तो मेरी मेन स्केल रीडिंग कितनी बन जाएगी, 2 टाइम्स
पिच या फिर टू टाइम्स में लिखूंगा मेन स्केल डिवीजन, है ना। अब आपकी पिच की लेंथ मान लो 1 मिलीमीटर है तो ये 2 मिलीमीटर हो जाएगा। अगर पिच की लेंथ आपकी मान लो 0.5 मिलीमीटर है तो ये 2 × 0.5 यानी कि 1 मिलीमीटर बन जाएगा, करेक्ट। अब इसके आगे क्या, मान लो मैंने 2 रोटेशन तो कर दिया पर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा, राइट। तो अब जरा देखो मेरा थर्ड डिवीजन टॉप पे आ चुका है ना। तो मैं इसमें और क्या ऐड करूंगा, मैं यहां पे ऐड करूंगा 3/8 ऑफ पिच या फिर 3/8 ऑफ मेन स्केल डिवीजन, मैं ये ऐड करूंगा क्या, है ना। तो यहां पे 3 क्या है आपका, 3 है आपकी सर्कुलर स्केल की रीडिंग, 3 क्या है आपकी सर्कुलर स्केल की रीडिंग, है ना। तो मेरी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई, सर्कुलर स्केल रीडिंग, करेक्ट। तो जैसे वो यहां पे हो गई मेरी 3, तो मेरा टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया मैंने, टोटल डिस्टेंस मैंने ट्रेवल किया 2 MSD, करेक्ट। प्लस मैंने एक्स्ट्रा और कितना ट्रेवल किया है, 3/8 MSD ट्रेवल किया है क्या, तो प्लस 3/8 MSD, है ना। अब जरा इसको हम रीअरेंज करके देखते हैं, ये आपका 2 MSD है प्लस MSD/8 आपका क्या है, हमने 8 डिवीजन बनाया था सर्कुलर स्केल पे, तो MSD/8 आपका जो है वो आपका बन जाएगा लीस्ट काउंट। तो मैं क्या यहां पे लिख सकता हूं क्या, 2 MSD प्लस 3 × लीस्ट काउंट, राइट। तो यहां से मेरा बन जाता है जनरल फॉर्मूला, ये हो गई आपकी मेन स्केल रीडिंग, ये हो गई आपकी सर्कुलर स्केल रीडिंग, और ये हो गया आपका लीस्ट काउंट। तो मेरा जनरल फॉर्मूला यहां पे क्या बनता है बच्चों, मेरा यहां पे जनरल फॉर्मूला बन जाता है, मेरी रीडिंग जो है दैट इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग, ठीक है। MSR मतलब मेन स्केल रीडिंग, CSR मतलब सर्कुलर स्केल रीडिंग, और लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट आपका क्या होगा, पिच डिवाइडेड बाय n, या फिर मैं लिखूं मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय n। तो ये 2 फॉर्मूला के बेसिस पे आप कोई भी स्क्रू गॉज की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ओके। तो बच्चों क्योंकि स्क्रू गॉज का पूरा कॉन्सेप्ट समझ चुके हो, तो अब मैं आपको रियल स्क्रू गॉज का एग्जांपल दिखाता हूं, है ना। ये मेरी वेबसाइट पे आप जाओगे, यहां पे आप YouTube सेक्शन में आप यहां पे स्क्रू गॉज पे क्लिक करो लिंक पे, ठीक है। तो ये स्क्रू गॉज का सिम्युलेटर आपके सामने लोड हो जाएगा, तो आप जरा ऑब्जर्व करो, आप इसको ना ऐसा रोटेट करके इसको स्क्रू गॉज को ओपन या क्लोज कर सकते हो, करेक्ट। और यहां पे आप राइट में अगर देखो, राइट साइड में आपको सारी सेटिंग्स गिवन है, ओके, जिनको आप मॉडिफाई करके स्क्रू गॉज की वैल्यूज को चेंज कर सकते हो। जैसे सबसे ऊपर आप देखो मेन स्केल डिवीजन दिया हुआ है, ये क्या बता रहा है कि आपके 1 मेन स्केल डिवीजन कितना होना चाहिए। जैसे अभी ये आपका 0.1 मिलीमीटर है, अभी आपका 0.5 मिलीमीटर है, थोड़ा और आगे बढ़ा तो 1 मिलीमीटर का मेन स्केल डिवीजन बन गया, यानी कि पिच जो है 1 मिलीमीटर बन गई, ये 1.5 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हो, फिलहाल मैं इसको 1 मिलीमीटर रखता हूं सिंप्लीफिकेशन के लिए, करेक्ट। नेक्स्ट आपका यहां पे देखो क्या है, सर्कुलर स्केल डिवीजन के काउंट, यानी कि सर्कुलर स्केल पे कितने डिवीजन हैं। तो इसमें मिनिमम आप 25 डिवीजन रख सकते हो, ठीक है, 25 हो सकता है, 50 हो सकता है, 75 हो सकता है, एंड सो ऑन। और आप जरा यहां पे ऑब्जर्व करो, ये है आपकी सर्कुलर स्केल। तो देखो मैं अगर सर्कुलर स्केल डिवीजन चेंज कर रहा हूं तो ये सर्कुलर स्केल पे आप देखो जो डिवीजन है वो कम या ज्यादा होते जा रहे हैं। अभी ये मिनिमम है, ये थोड़े बढ़ गए, है ना, ये और बढ़ गए, एंड सो ऑन, करेक्ट। तो आपको जो स्क्रू गॉज चाहिए वो सारे आप यहां पे क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो अब जैसे मैं फिलहाल 50 डिवीजन रखता हूं, है ना, अभी मेरे पास फिलहाल क्या है, 1 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 1 मिलीमीटर, ओके। और मेरे पास सर्कुलर स्केल डिविजन्स कितने हैं, सर्कुलर स्केल डिविजन्स है मेरे पास 50। तो मेरा लीस्ट काउंट कितना बन जाएगा बच्चों, 1 मेन स्केल डिविजन बाय n, है ना, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन, तो ये 1/50 मिलीमीटर बन जाएगा, यानी कि 0.1/5, यानी कि 0.02 मिलीमीटर मेरा लीस्ट काउंट बन चुका है, ठीक है। और जरा देखो मैं स्क्रू गॉज को ओपन करता हूं, तो देखो अभी एकदम बंद है, पूरा स्क्रू गॉज क्लोज्ड है। तो अब आप जरा यहां पे ऑब्जर्व करो, ठीक है,
अब भी यहाँ पे आपको सामने क्या दिख रहा है, इधर पे आपको जीरो दिख रहा है क्या एकदम, है ना, मतलब अभी आपका स्क्रूज पूरा बंद है तो सामने दिखेगा आपको जीरो। अब जरा देखो मैं इसको ना ओपन करता हूं, तो अभी आप देखो ये पूरा एक रोटेशन खत्म करके आगे बढ़ चुका है, करेक्ट, मतलब 360 डिग्री रोटेशन हुआ है, मतलब मैं अभी वन पिच के बराबर आगे बढ़ा हूं। सिमिलरली मैं इसको फिर से 360 डिग्री रोटेट करता हूं तो ये अब और आगे बढ़ चुका है। तो ऑब्जर्व रहा, आप यहां पे ऑब्जर्व करो क्या दिख रहा है इधर पे, है ना, ये आपकी मेन स्केल जो है इधर पे दिख रही है आपको मेन स्केल, ये मेन स्केल का एक एक डिवीजन धीरे धीरे विजिबल होते जा रहा है। तो जैसे जैसे आपका स्क्रू गॉज ओपन होगा मेन स्केल का डिवीजन आपको वहां पे इंक्रीज होते जाएंगे, दिखना शुरू हो जाएंगे। तो जो डिवीजन आपको दिख रहे हैं उतना मान लो कि वो मेन स्केल की रीडिंग हो जा रही है, करेक्ट। तो अभी फिलहाल आपकी यहाँ पे स्क्रू गॉज की रीडिंग कितनी है, 2 मेन स्केल डिवीजन यानी कि 2 मिलीमीटर के बराबर, करेक्ट। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और रोटेट कर दूं, अब आप जरा देखो क्या मुझे मेन स्केल का सेकंड डिवीजन विजिबल हो रहा है क्या, है ना, यहां पे मुझे मेन स्केल का सेकंड डिवीजन देखो जीरो है, फिर फर्स्ट डिवीजन, फिर सेकंड डिवीजन विजिबल हो रहा है। तो मैंने यहां पे मेन स्केल रीडिंग कितनी हो गई, मैं यहां पे लिख सकता हूं मेरी मेन स्केल रीडिंग जो है वो हो गई 2 डिविजन्स के बराबर, है ना, 2 MSD, या फिर मैं लिखूं 2 मिलीमीटर के बराबर, करेक्ट। अब सर्कुलर डिवीजन आप जरा ऑब्जर्व करो कितना है, यहां पे आपका सर्कुलर डिवीजन कितना दिखा रहा है, 25 दिखा रहा है क्या, ठीक है, ये आपका एग्जैक्टली 25 दिखा रहा है। तो मैं CSR लिखूंगा कितना है, 25, ओके। तो अब मेरी जो लेंथ है, राइट, जो स्क्रू गॉज जितना ओपन हुआ है वो रीडिंग कितनी आ जाएगी, मेरी रीडिंग हो जाएगी इक्वल टू MSR प्लस लीस्ट काउंट इनटू CSR, करेक्ट। तो MSR कितना है मेरे पास, 2 मिलीमीटर, लीस्ट काउंट कितना है हमने अभी निकाला था वो है आपका 0.02 मिलीमीटर, ओके। तो 0.02 मिलीमीटर और इनटू सर्कुलर स्केल डिवीजन 25 है, तो ये कितना बन जाएगा आप कैलकुलेट कर सकते हो, 25 × 250, तो 2.50 मिलीमीटर, ओके। तो ये हो गई आपकी स्क्रू गॉज की रीडिंग।